विटामिन के इज एन इम्पॉर्टेंट विटामिन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्लड क्लॉटिंग में, जैसे कि जब हमको चोट लगती है और खून निकलता है, ताकि खून बहता ना जाए उस खून को रोकने के लिए, ब्लड को क्लॉट करने के लिए विटामिन के की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विटामिन के दो किस्म के हैं, विटामिन के वन, दिस इज यूजुअली फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड इट हैज़ द प्रोमिनेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, एंड विटामिन के टू। के टू इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय द गट बैक्टीरिया, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन सम फर्मेंटेड फूड्स एंड इट हैज़ मेनली अ रोल इन बोन बिल्डिंग एज वेल एज इन हार्ट हेल्थ। वॉट विटामिन के डज इज रिमूव्स कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड डिपॉजिट्स इट्स ऑन द बोन एंड टीथ सो दैट बोन एंड टीथ बिकम हेल्थी। Because it removes calcium from the blood, calcium which can be a source of plaque formation or blockage of blood vessels gets removed, so the heart pumps better and chances of developing heart disease become less. Vitamin K is a fat soluble vitamin, so for the absorption of the vitamin from the gut, presence of oil helps the absorption. Vitamin K is richly and readily available in our diet from green leafy vegetables like spinach, to cauliflower, broccoli, cabbage. It is also available in foods out of which we make salad, like cucumber, lettuce. It is available in green herbs like parsley and basil. It is available from fermented dairy, from cheese and yogurt. It is also available from non-vegetarian sources like chicken, fish and eggs. So as we can see, it is a readily available vitamin. Vitamin K is readily excreted from the human body. इसलिए ओवरडोजेज में ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि तुरंत ही बॉडी उसको बाहर फेंक देती है। एक ध्यान देने वाली बात है कि जब इन्फेंट पैदा होता है, काफ़ी बार देखा गया है कि उसका विटामिन के लेवल लो होता है, तो काफ़ी जगह पर कहीं पर तो ये प्रोटोकॉल है कि इन्फेंट को विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसको ब्लीडिंग और क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स ना हो। विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और कभी कभी हार्ट हेल्थ बिगड़ सकती है। विटामिन के की डेफिशिएंसी बहुत रेयरली होती है। विटामिन के डेफिशिएंसी उन्हीं लोगों में होगी जिनमें कोई इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम हो, जैसे कोई क्रोन डिजीज़ हो गई या कोई एंटीबायोटिक बहुत लंबे टाइम तक ले रहा है। उससे क्या होता है, एंटीबायोटिक जो गट का गुड बैक्टीरिया है जो विटामिन के बनाता है, वो एंटीबायोटिक उसको वॉश आउट कर देता है और बॉडी फिर विटामिन के में डेफिशिएंट हो जाती है। ज़्यादातर देखा गया है नेचुरल फूड सोर्सेज आर अ मच बेटर एंड रिचर सोर्स ऑफ विटामिन के देन सप्लीमेंट्स। हमको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। विद ओवर 1 लाख मेडिकल एक्सपर्ट्स एंड द फैसिलिटी टू टेलीकंसल्ट, एक्सपीरियंस क्लिनिक लाइक कंसल्टेशंस ऑन प्रैक्टिस।